नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमेठी में PSPSA के जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप मिश्र के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों से संबंधित समस्याओं पर वित्त एवं लेखा अधिकारी रामेंद्र कुमार मौर्य से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा, जिसके प्रमुख रूप से माह फरवरी 2022 का वेतन होली के पूर्व भुगतान करने, मकान किराया छूट का लाभ आयकर में देने, शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान पत्रावली 3% DA का भुगतान, पिछले एरियर के भुगतान के लिए लंबित पत्रावली का शीघ्र समाधान करने, कार्यालय में जमा समस्त देवकों का भुगतान 31 मार्च 2022 के पूर्व कराने, अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों के विद्यालय आवंटन से पूर्व की NPS धनराशि के NPS खातों में पोस्ट करने संबंधी समस्याएं प्रमुख थे, जिस पर वित्त लेखा अधिकारी रामेंद्र मौर्य ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि होली के पूर्व फरवरी माह के वेतन का भुगतान कर दिया जाए। वहीं DA व एरियर के भुगतान के संबंध में बताया कि आगामी 14 मार्च को होने वाले बैठक में 7 करोड़ रुपए की ग्रांट की मांग की जाएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।